स्वागत किया आप लोगों ने। प्रधानमंत्री जी का राजस्थान की राजधानी में लगातार दो दिन रुकना, ये राजस्थान के लिए गौरव की बात है, अनेकों कार्यकर्ताओं के लिए सुखद एहसास है। जिस आत्मीयता से प्रधानमंत्री जी कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, बात करते हैं, एक उत्साह आता है, उल्लास आता है। अभी हम सब लोगों ने उनका स्वागत सत्कार किया है और निश्चित तौर पर ये जो कार्यक्रम यहाँ हो रहा है वो दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगा। भाजपा कार्यालय में बैठक है, बड़ी महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है। निश्चित तौर पर संगठन को सर्वोपरि मानते हैं प्रधानमंत्री जी, उनका मूल मंत्र है सबका साथ और सबका विश्वास और सबका प्रयास। इसीलिए आपने देखा होगा आज़ादी के बाद पहली बार राजस्थान के अंदर कोई प्रधानमंत्री जी अपने ही पार्टी के कार्यालय के अंदर अपने ही लोगों के साथ खुला संवाद भी करने जा रहे हैं और उनके साथ भोजन करने भी जा रहे हैं। मंत्रियों को विभागों का बंटवारा हो गया है, दिया कुमारी जी को बहुत महत्वपूर्ण विभाग मिले, वित्त विभाग भी। देखिए ये प्रोगेटिव है मुख्यमंत्री जी का, बड़ा संतुलित मंत्रिमंडल बना है, सबको काम मिला है, सब अपने काम पर लगे। डॉक्टर साहब क्या कार्यक्रम है प्रधानमंत्री जी का भाजपा दफ्तर में आज पूरा जो बैठ के रहने वाली, उसके कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं, कार्यकर्ताओं से एमएलए से पदाधिकारियों से संवाद। लोकसभा के चुनाव सबको पता है सन्निकट है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तो पहले से ही छोटे बूथ कमेटी से लेकर पन्ना प्रमुख से कार्यकर्ता तैयार रहते हैं, आगे भी तैयार। आप लोकसभा चुनाव लड़ेंगे ये मैं इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। तो देखिए आपने राजेंद्र राठौड़ जी को सुना जो कि राजस्थान के पूर्व नेता प्रतिपक्ष हैं और वो तारानगर से चुनाव लड़ा था, कुछ वोटों से वो चुनाव हार गए, लेकिन देखिए